N I Moni Monda Moni Diggy, come on, Diggy. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? सो वेलकम बैक टू मम्मास डायरी। तो होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग निकल चुके हैं आज मौंदारमोनी के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग जाने वाले हैं बाय कार। तो होपफुली आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है और हम आपको सारी डिटेल्स जितना हो सके इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी देखिए बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग अभी देखिए किस तरह से जैम में फंस रहे हैं एक के बाद एक। अभी हम लोग एक फ्रेंड को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। तो ये है कोई खाली, यहाँ पे भी इतना जैम है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे जैम में फंस चुके हैं। हम लोग एक फ्रेंड को पिकअप करने के लिए जा रहे थे, तो वो रहते हैं तिगोरिया की तरफ। तो अभी हम लोग कोई खाली के जैम में फंस चुके हैं, होपफुली ये जल्दी छूट जाएगा। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं बेलगोरिया एक्सप्रेस वे में। तो बहुत ज़्यादा जैम था, तो अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 7। तो वहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जैम था, तो हाउएवर हम लोग अभी पहुँचे हैं। एक्चुअली ट्रक वगैरह बहुत लाइन से वहाँ पे खड़ी थी, तो इसलिए जैम था। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बेलगोरिया एक्सप्रेस से होके। देखिए हम लोग अभी निवेदिता सेतु की तरफ आ गए हैं और इस तरफ देखिए गंगा जी है और मेरे राइट हैंड साइड में है दक्षिणेश्वर। तो चलिए फिर भगवान का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कवर कर चुके हैं 2 घंटे का जो सफ़र था, हम लोग कवर कर चुके हैं और अभी 9 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी हम लोग रुकेंगे एक जगह कोलाघाट में और नाश्ता करेंगे। फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और कोलाघाट से मौंदारमोनी का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ही है। আমরা বাড়ি থেকে বুনন দেখো, ঠিক আছে? ব্রিজ কেমন বানায় মন থাকবে তো? কোন বাড়ি? কটা বাড়ি আছে? আমাদের তো অনেক কটা বাড়ি আছে। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं और हमने एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर लिया, शेरे बंगाल बोल के। खाना वगैरह ठीक ही था। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी सीधा मौंदारमोनी। বলো আমারটা শাস আছে তো? আমারটা তুমি খেয়ে নিও, তোমারটা বোধহয় নেই শাস। দেখছি
কি হয়েছে নারকল দেখাবো ঠিক আছে নারকল না মালাই ভালো মিষ্টি ऑलमोस्ट हम लोग अभी चावलखोला पहुंचने ही वाले हैं और चावलखोला से तो जस्ट 20 to 25 मिनट्स का डिस्टेंस है मंदारमुनी जहाँ पे हमारा रिसॉर्ट है। हमारा जो रिसॉर्ट है वो है ADB कैनवस, तो बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है। हम आपको वहाँ का इंटीरियर और वहाँ का जो भी रिव्यू वगैरह है, एम्बियंस कैसा है, होटल कैसा है, वो सब हम आपको डिटेल्स में इसी वीडियो में बताएंगे, तो देखते रहिए। धीरे धीरे हम लोग एक्चुअली गूगल मैप देख के आ रहे थे, तो गूगल मैप में चावलखोला वाला रास्ता नहीं दिखा रहा था, वो ये वाला रास्ता दिखा रहा था जो कि ताजपुर के लिए जो रास्ता जाता है वो वाला रास्ता। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक ब्रिज है, वहां से वो जाएगा, तो वो वाला रास्ता दिखा रहा था। तो हमने सोचा कि चावलखोला वाला रास्ता में भी ख़राब वगैरह कुछ है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला रास्ता लिया। लेकिन आप अगर आते हैं तो ये वाला रास्ता मत लीजिएगा, क्योंकि चावलखोला वाला रास्ता भी सही है और ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम कराएगा। मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो आप लोग चावलखोला से ही अंदर जाके आराम से अपने रिसोर्ट या मंदारमुनी में जा सकते हैं। और गूगल मैप में भरोसा मत कीजिएगा, किसी को पूछ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि गूगल मैप आजकल बहुत उल्टा पुल्टा रास्ता वगैरह दिखाता है। तो चलिए हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पर, तो हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी देखते हैं हम लोग कब तक पहुँचते हैं। ये अच्छा रास्ता उठा। हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट से ज्यादा गाड़ी चला के आ चुके हैं और अभी भी यहाँ पे देखिए मंदारमुनी 10 किलोमीटर्स और चावलखोला 17 किलोमीटर्स दिखा रहा है, मतलब अभी भी हमें 10 किलोमीटर बाकी है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा ऑलरेडी हो रहा है 1 बज रहा है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, हम लोग वहाँ से करीबन निकले थे 7 बजे, और ये घूमने के चक्कर में, मतलब ये जो दूसरा रास्ता हमने लिया उसके चक्कर में हमें इतना लेट हुआ। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं अपने होटल की तरफ, तो हम लोग को और 30 मिनट्स लग जाएगा, तो हम लोग 1:30 तक मोस्ट प्रोबेबली अपने होटल में पहुंचेंगे। टर्न राइट। माछ माछ फिश कल्टीवेशन। फिश कल्टीवेशन। এখানে ভেতর পুরো মাছ আছে, বড় বড় মাছ। খেয়ে নেবে। খাবার দাও ওদেরকে বাবু, বড় করে মাছগুলোকে দাঁতে ওদেরকে। দেখো দেখো। বাবা রে। এবার আমরা দীঘাই যাব, বুঝছো? তুমি তো দীঘাই যাব, ওল দীঘা। ওল দীঘা, হ্যাঁ ওল দীঘা ভালো। হ্যাঁ বেশ ভালো লাগছে আমার। ক্যানভাসের এটাই পার্কিং। কোনটা পার্কিং? এই যে এটা। ওকে হর্ন বাজাও। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल और अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 1:35। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं जस्ट, तो अभी पार्किंग वगैरह करेंगे। और होटल देखिए बहुत ही अच्छा है, तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और बहुत ही बढ़िया होटल है। ये हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ADB कैनवस में, हम लोग
आज से पहले एडीबी कैनवस में आके नहीं रुके हैं, मंदारमणि जब भी आए हैं तब। तो ये देखिए कितना बड़ा लॉन है यहाँ पे, बच्चों के लिए पार्क भी है। और ये देखिए बुनान स्टार्ट हो चुका है उसका खेल। तो ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, पूल वगैरह है। और चलिए फिर हम लोग अभी अंदर जाते हैं, जाके आपको दिखाते हैं इसका जो रूम्स वगैरह कैसे हैं और खाना वगैरह का जो भी रिव्यू रहेगा वो हम आपको बताएंगे डिटेल में। देख लो बुनाना जी यहाँ सोएगा, बुनाना पता है देखिए बाबा के আমাদের জিনিসগুলো আসেনি। ব্যালকনি ভিউ দেখলো, দেখি ইয়ে হ্যাঁ ব্যালকনি ভিউ আর ও হ্যাঁ বিচ। আরে তুমি এসছো? হ্যালো तो ये है कबर्ड और यहाँ पे फ्रिज भी है, मिनी फ्रिज है यहाँ पे। तो रूम बहुत ही बड़ा है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी बहुत ही क्लीन है। हमने चेंज वगैरह कर लिया है, अभी हम लोग जाएंगे सीधा पूल में। तो थोड़ी देर वहाँ पे हम लोग मस्ती करेंगे। और लंच तो हमने पहले ही बोल दिया था, तो हम लोग पूल से आने के बाद सीधा लंच कर लेंगे। और लंच हम रूम में ही करेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है। तो उनका किचन मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट है वो बंद हो गया है। ए बुनान, बुनान নেমে যাবো, गुड इवनिंग गाइज। एक्चुअली अभी शाम हो गई है और हम लोग स्विमिंग पूल से आने के बाद हम लोगों ने फटाफट से लंच किया। एक्चुअली बहुत थक गए थे इसीलिए हम लोग और वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो हम लोग ने थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी शाम को हम लोग आए हैं लॉन में। एक्चुअली यहाँ पे शायद कोई ऑफिस पार्टी वगैरह कुछ है तो जो कि चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब लाउड था म्यूज़िक और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा लग रहा था। फैमिली के लिए थोड़ा सा मतलब कंटिन्यूसली म्यूज़िक चल रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अच्छा लग रहा था। हमें तो मज़ा ही आया क्योंकि एक्चुअली हम लोग आए थे बहुत सडनली, हमारे ये प्लान हुआ था मंदारमणि आने का क्योंकि एक्चुअली हमारा एनिवर्सरी था तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम आए थे। तो हमें तो मज़ा ही आ रहा था, बुनान तो बहुत ही मज़ा कर रहा था, डांस वगैरह भी कर रहा था वो। हम लोग ने जो लंच किया था और यहाँ पे भी जो स्नैक्स के आइटम हम लोगों ने खाया है वो सारे बहुत ही अच्छे थे। मतलब खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का और हॉस्पिटैलिटी और स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है। Happy anniversary!
ये छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया यहाँ पर आके, और जो डे वन का व्लॉग था वो यहीं तक का था, लेकिन इसका एक पार्ट टू भी आएगा जिसमें हम आपको बीच दिखाएंगे, क्योंकि मंदारमुनी में आए और बीच ही नहीं देखे तो फिर क्या मंदारमुनी आना हुआ। तो हम लोग कल सुबह उठ के जाएंगे बीच की तरफ, तो वहाँ तब हम कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो और आपको जो होटल का जो प्राइसिंग वगैरह है उसका भी डिटेल्स देंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।